इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कोरोना के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने 3 मई की आधी रात से पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक कर देने के लिए आदेश जारी किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के साथ सलाह कर ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह डिसेंट्रलाइज करने के लिए कहा। ऑक्सीजन संकट को लेकर अगली सुनवाई 10 मई को होगी, लेकिन इसके पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से अस्पताल में मरीजों के एडमिशन को लेकर नेशनल लेवल पर प्लान बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस नीति को फॉलो करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पॉलिसी के बनने तक किसी भी राज्य में निवास प्रमाण के अभाव में किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को 3 दिन के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन अब कोर्ट ने आदेश की कॉपी जारी कर दी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।